सारिका जी, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ज्यादातर तो ना ही करते रहे आप लोग, लेकिन 24 घंटे पहले ये जो आप लोगों ने कहा कि नहीं हम तो चुनाव लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, और आपके एक नेता का स्टेटमेंट मैं देख रही थी, ये लोकतांत्रिक हक है और इस हक के नाते लड़ेंगे, ये क्यों ऐसे आप लोगों ने उलझाए रखा और खुद ही कहते थे जी हमारे पास तो नंबर्स हैं नहीं। जीनत, आप जब से ये मेयर के चुनाव की बात आ रही है और आप जब से ही बोल रहे हो कि अंतरात्मा की आवाज, आपके नेताओं ने बोला है अंतरात्मा की आवाज आएगी और अगर अंतरात्मा की आवाज से कोई मेयर के लिए चुनाव में वोटिंग करता है तो वो अंतरात्मा होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आपने बोला भी कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, जैसे एक स्टूडेंट जाता है अपना एग्जाम देने जाता है और या तो फेल होगा या पास होगा, तो हम भी अपना लक आजमा के जरूर देखेंगे, हम भी जाएंगे क्योंकि हमने भी मेहनत की है। अगर 104 सीटें आई है उसका मतलब ये नहीं कि हमने हार मानी है या हम हार गए हैं, ये तो जो हमारे पार्षद चुने गए हैं उनकी अंतरात्मा की आवाज क्या बोलती है वही दिखाया जाएगा उसमें। अगर ये तो गुप्त दान है एक तरह से, जैसे गुप्त दान हम करके आ जाते हैं, ये भी गुप्त प्रक्रिया है, तो कोई भी किसी को भी वोट कर सकता है, सबको स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो इसमें जिसका भी मन जिसको करेगा उस पे ही वोट लगा कर आएगा कि मेयर कौन बनेगा, आप पार्टी का बनेगा या बीजेपी पार्टी का बनेगा, ये तो अब पार्षद ही तय करेंगे। तो ये अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं, लोकतंत्र में आमने सामने की लड़ाई का हमेशा स्वागत होना चाहिए, लेकिन मैं जो पूछ रही थी वो ये, और देखिए रेखा जी जो हैं आपकी प्रत्याशी, अच्छा खासा उनका अपना एक अनुभव भी है, वो उनका ही ये स्टेटमेंट है जो मैंने अभी कोट किया है कि पार्षदों की अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से उन्हें वोट करना चाहिए और उन्होंने कहा मेरिट देखकर। तो मैं इसीलिए जो समझना चाह रही हूं कि ये अगर कहना पड़ रहा है, और आप लोग क्यों उलझाए हुए थे कि नहीं पहले आप ही के नेता कहते हैं जी हम नहीं लड़ेंगे, हमारे पास नंबर नहीं है, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है, तो मैं जरा ना ये स्ट्रैटेजी समझना चाह रही हूँ सारिका जी, क्या था ये, क्या आपको उलझाए रखना था या लास्ट में आपको लड़ा कि नहीं एक मैसेज ये जाना चाहिए हमारे पार्षदों में कि हमने यूं ही सरेंडर नहीं कर दिया, हमने कोशिश की। बिल्कुल, देखिए आपको लास्ट मोमेंट तक कोशिश जरूर करनी चाहिए, आप हारे या जीते कम से कम आपके मन में एक मलाल नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की थी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी पॉलिटिकल लाइफ हो। मैं तो अपनी तरफ से एक मोटिवेशन के लिए बात कहूंगी कि अगर आप किसी चीज क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको लास्ट मोमेंट तक अपनी हार नहीं माननी चाहिए, और ऐसे ही हम लोग भी कर रहे हैं, हम अपनी लक आजमा रहे हैं, हम अपना, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा कैंडिडेट है, रेखा गुप्ता जी इतनी अच्छी कैंडिडेट है, उनको अनुभव है राजनीति का और वो बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वे पार्षदों का जिसको मन करेगा उसको वोट देगा, लेकिन अगर उनको लगता है कि रेखा गुप्ता जी इस लायक है, इस उनकी एक एक्सपीरियंस है राजनीति लाइफ में, तो जरूर उनको वोट करेंगे, और सबका अपना अपना लक भी होता है, भाग्य भी होता है, अपनी मेहनत होती है। अगर मेयर का चुनाव इस तरह से वोटिंग के जरिए हो रहा है और पार्षदों को मौका दिया जा रहा है तो इनकी अंतरात्मा की आवाज जरूर जागेगी। अच्छा, आप मुझे जरूर बताएगा कि ठीक है, आपके अपने पार्षदों की तो अंतरात्मा की आवाज के लिए आप आश्वस्त हो सकती हैं, क्या आम आदमी पार्टी के पार्षदों की अंतरात्मा की आवाज भी पहुंची आप लोगों तक, थोड़ा सा इस पर बताइएगा। ठीक है, मैं एक बार बाकी मेहमानों को शामिल कर लेती हूँ।